डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ एनी इंसुलेटिंग मीडियम मे बी, यानी कि हम लोगों से पूछा गया है कि इंसुलेटर का डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट क्या हो सकता है। तो देखिए जीरो तो कहीं ऑप्शन में ही नहीं है यहाँ पे, और 0.7 भी संभव नहीं है, -3 भी संभव नहीं है, नेगेटिव भी नहीं है, लेस देन 1 की बात भी कहीं नहीं कही है। इंसुलेटिंग मटेरियल बोले, इंसुलेटिंग मीडियम बोले या इंसुलेटर बोले, सब एक ही बात है। तो इंसुलेटर का डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट क्या होना चाहिए? 1 से ज्यादा होनी चाहिए, कोई भी वैल्यू 1 से ज्यादा एक्सेप्टेबल है। तो यार हमारे ऑप्शन में 1 से ज्यादा एक ही वैल्यू है, 6। तो इस तरह से ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो गया कि भाई इंसुलेटिंग मटेरियल का डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट 6 पॉसिबल है। बाकी सारे क्वेश्चंस के लिए आप इस चार्ट को याद रखिए। कोई भी कंडक्टर होगा, कंडक्टर में मतलब मेटल भी लिख सकते हैं वो लोग, अगर मेटल्स होंगे तो उनका डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट इन्फिनिटी होगा, वैक्यूम या एयर का 1 होगा, और इंसुलेटर का एनी वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा। जैसे वॉटर का मतलब एग्जाम्पल अगर देखें, वॉटर भी एक तरीके से इंसुलेटर टाइप की कैटेगरी में आता है, मतलब नॉन कंडक्टिंग की कैटेगरी में आता है। तो वॉटर का डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट होता है 81, एग्जैक्ट वैल्यू 80.4 होती है, किसी किसी में 81 लिखते हैं, किसी में 80 लिखते हैं।